रायसेन शहर के दशहरा मैदान स्थित बीएसएनएल के टावर पर एक युवक चढ़ गया, जिसे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन 2 घंटे बाद भी वह नीचे नहीं उतरा। उसके बाद बरेली थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे और उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा से टावर पर चढ़ने के लिए बोला। मीणा के आदेश देने के बाद ही थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू 12 मिनट में टावर पर चढ़कर सुरक्षित युवक को उतार कर नीचे ले आए। मौके पर मौजूद लोगों ने थाना प्रभारी की प्रशंसा करते हुए जमकर तालियां बजाई। उसके बाद थाना प्रभारी खुद उस युवक को थाने पर लेकर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी उनके साथ चल रही थी और उनकी जमकर तारीफ की जा रही थी। मधुवन हिल्स कॉलोनी मंडी दीप निवासी प्रदीप यादव मंगलवार की शाम 6 बजे बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। जब लोगों ने उसे टावर चढ़ते देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। युवक ने एक पत्र टावर से नीचे फेंका था, जिसमें उसने राजस्थान के मुकेश कोठारी द्वारा पार्टनरशिप में खरीदे गए 10 पहिया ट्रक को बेचने और उसकी राशि उसे नहीं देने की बात लिखी थी। इस पत्र में उसने लिखा है कि उसकी 3 बेटियां हैं, 25 लाख का ट्रक खरीदा था, जिसकी राशि वह 4 लाख नगद और 4 लाख की राशि किस्तों में दे चुका है, लेकिन उसके पार्टनर ने ट्रक को बेच दिया और उसके हिस्से की राशि उसे नहीं दी। वह गरीब इंसान है, मुकेश कोठारी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पत्र को पढ़ने के बाद SDOP ने उसे उसकी राशि दिलाने का भरोसा दिलाया।